कार्बन कंपाउंड मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 118 से प्लस एलिमेंट्स है तो इतना इंपॉर्टेंस कार्बन को क्यों पहली चीज तो ये बच्चों तुम्हारा डीएनए आरएनए प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स पेट्रोल डीजल फाइबर्स एवरीथिंग इज कार्बन वेर देर इज लाइफ देर इज कार्बन इसीलिए टॉकिंग अबाउट कार्बन एंड इट कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर सेल्फिश हमारे लिए जो यूजफुल है उसकी बात करेंगे एंड कार्बन इज वन ऑफ दैट थिंग विच इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर मैन काइंड पहले ऐसे होता था पहले ऐसे होता था बच्चों जो भी कंपाउंड होते थे उनको हम दो तरीके से डिवाइड करते थे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक मतलब क्या पहले ऐसा बोलते थे वो लोग जो भी प्लांट एनिमल से मिल रहा है और क्या? अदर देन ठीक है मतलब ऑर्गेनिक प्लांट्स और एनिमल्स के से मिल सकता है पहले ऐसा मानना था उनका और इनऑर्गेनिक मतलब क्या वॉट एवर अदर देन दैट लेकिन हिस्ट्री तब क्रिएट हुई बच्चों तब लोगों को रियलाइज होने लगा कि एक्चुअली क्या होता है ये एक्चुअली ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है तो इतना समझना बेटा ऑर्गेनिक मतलब क्या एनीथिंग कंटेनिंग कार्बन इसमें बाकी मेनली कार्बन अदर चीजें भी होगी मेनली कार्बन एंड अदर देन कार्बन इस चीज ऑर्गेनिक तो ये इसका बिग डेफिनेशन हो गया है एकदम ऊपर ऊपर से बट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू अब बच्चों एक चीज याद रखनी पहले लोगों को लगता था प्लांट्स एनिमल से ऑर्गेनिक मिल सकता है लेकिन एक साइंटिस्ट है नाम का। उस भाई साहब ने कुछ बड़ा कर दिखाया अमोनियम साइनेड से यूरिया बनाया अब तुम बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है क्या बोल रहे हो आप तो क्या करें हम लोग बच्चों अमोनियम साइनेड -organic था। first time, -organic से ऑर्गेनिक बना बच्चों हमेशा याद रखना science में जब चीजें होती होती ना वो बड़ी होती है, तो पहली बार -organic से organic बना। उसके पहले लगता था प्लांट्स एनिमल से ऑर्गेनिक बनेगा आर्टिफिशियली नहीं बन सकता लेकिन वॉलर भाई साहब ने आर्टिफिशियली करके दिखाया इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना के दिखाया अमोनियम यूरिया बना के दिखाया उसके बाद अनगिनत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते गए बच्चों और अभी भी बन रहा है ये खासियत है बच्चों एंड दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अब कार्बन की अलग से पढ़ाई क्यों करनी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या होता है वो सब सा तुमको समझ में आ गया अब तुम्हें अगर कार्बन के बारे में थोड़ा तो समझोगे तो उसका नामकरण करता है तो सिंबल होता है सी एटॉमिक नंबर इज सिक्स एटोमिक मास नंबर इज ट्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज टू कॉम ऑफ फोर दैटी नो तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे फोर है इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी फोर है एंड दिस कार्बन ऑलवेज रिम्बर वी कॉल इट टेट्रा वैलेंट बिकॉज इसकी वैलेंसी फोर है फोर वैलेंसी वैलेंट मतलब वैलेंसी तो कार्बन है समझने की कोशिश करना अब जो पॉइंट लिखा होगा बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर अपन ने आयोनिक कंपाउंड डिटेल में डिस्कस किया था कंपाउंड्स बच्चों इट कैन बी आयोनिक इट कैन बी कोवेलेंट, इट कैन बी मेटालिक, बहुत सारे हैं नाम लो उतना तुम्हारे सिलेबस के लिए मेटेलिक मेटालिक कुछ नहीं चाहिए आयोनिक चाहिए कोवेलेंट चाहिए एवनिक में क्या होता है गिव और टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट में क्या होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कार्बन क्या करता है तो कार्बन बच्चों सुनना अच्छी तरह से कार्बन फॉर्म्स इट्स कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्डिंग अब तुम बोलोगे ऐसा क्यू आयोनिक से क्यू नहीं को ही क्यू दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ एर बच्चो हरेक एलिमेंट को टू एट एटीन ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन चाहिए क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन किसका है नोबल कैस का है इफ यू नो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप एटीन बोलते हैं जीरो ग्रुप, गैसेस, नोबल गैस एक बाम तीन काम एक ग्रुप इतने सारे नाम हर एक एलिमेंट को बच्चों हर एक इंसान को लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए और स्टेबिलिटी के लिए टू एट एटीन ये शुभ माना जाता है अब कार्बन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर सिक्स है इसका इलेक्ट्रॉनिक टू कॉमा फोर तो इसको क्या करना है इन भाई साहब को भी बनना है स्टेबल तो स्टेबल बनने के लिए इनके पास कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए नोबल गैस की तरह तो इनकी नियरेस्ट नोबल गैस है इफ यू रिमेंबर हाइड्रोजन ही कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नियोन अब हीलियम इज अ नोबल गैस नियोन इज अ नोबल गैस इसका एटॉमिक नंबर है टू इसका है टेन इसका आता है टू इसका आता है टू कॉमा एट अब समझने की ट्राई करना या तो ये हीलियम की तरह बनेगा या तो ये नियोन की तरह बनेगा हीलियम की तरह, तरह बनना है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और नियॉन की तरह बनना है तो टू होना चाहिए मतलब या तो इसको चार इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या तो पड़ेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन देगा बच्चा अगर ये चार इलेक्ट्रॉन देगा जो देगा वो अमीर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो अगर कोई इंसान एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस वन हो जाएगा अगर कोई इंसान दो दे रहा है प्लस टू हो जाएगा अगर तीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस थ्री हो जाएगा कार्बन चार इलेक्ट्रॉन देता है बच्चों और अगर वो चार इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा वो हीलियम की तरह बन जाएगा अच्छी बात है पॉसिबिलिटी so है केस टू या तो वो चार इलेक्ट्रॉन लेगा और अगर जब कभी वो चार इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस वन दो ले रहा है तो माइनस टू तीन ले रहा है तो माइनस थ्री चार ले रहा है तो माइनस फोर ओके वेरी गुड अगर चार इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऑलरेडी टू कॉमा फोर था चार इलेक्ट्रॉन लेगा तो टू कॉमाइट वन जाएगा एंड इट विल बिकम नाइट न्यू ऑन तो इट इज अ पॉसिबिलिटी ये हो सकता है इस तरह से और अगर ये इस तरह से हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है गिवन टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है पर ये इलेक्ट्रॉन को यार इट इज गिवन गिवेन इट इज़ टेकिंग तो गिवन टेकन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये होना चाहिए आयोनिक बॉन्ड लेकिन कार्बन ऐसा नहीं करता बच्चों अब बिलियन डॉलर क्वेश्चन कार्बन ऐसा क्यों नहीं करता बच्चों कार्बन की साइज बट कार्बन डजेंट प्रीफर दिस कर सकता है हाँ पर प्रीफर करता है ना क्यों नहीं करता कार्बन है स्मॉल साइज उसके ऊपर इतना चार्ज इट विल बिकम हाईली अनस्टेबल अनस्टेबिलिटी के लिए किया था खुश रहने के लिए क्या था और वापस दुखी हो रहे हैं बेटे कार्बन का एटॉमिक नंबर एटोमिक्स है साइज छोटी है जैसे तुम्हारा वजन अगर तीस किलो है तुमको मैं तीस किलो तुम्हारे हाथ में दे दू तुम नहीं पकड़ पाओगे तुम अनस्टेबल बन जाओगे तुम कर सकते हो हाँ लेकिन करना चाहोगे वैसा ना क्योंकि तुम यू विल बिकम अनस्टेबल तुमको पता है वो सामान मैं रख भी सकता हूं नीचे मैं पकड़ भी सकता हूं लेकिन पकड़ोगे तो तुम्हारा इतना वजन ही नहीं कि तुम उसको पकड़ सकते हो तो तुम्हारी साइज छोटी है ऊपर से इतना ज्यादा चार्ज तुम्हारे ऊपर आ जाएगा तो इट विल बिकम हाईली अनस्टेबल देर फोर कार्बन डजेंट प्रीफर आयोनिक बॉन्ड तो ना ही लेता है ना ही देता है तो कार्बन करता क्या है आखिर सो करते क्या हो भाई आपको ना लेना है ना देना है तो आप करोगे क्या तो अब बच्चों कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वेर देर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज वेरी सिंपल आई डोंट अंडरस्टैंड माई पीपल मेक इट सो कॉम्प्लीकेटेड वेरी अंडरस्टैंड। बॉन्ड मतलब क्या सिंगल बॉन्ड हो सकता है डबल हो सकता है ट्रिपल हो सकता है जैसे बच्चों हमेशा याद रखना एक बॉन्ड में टू इलेक्ट्रॉन्स वन बॉन्ड कंटेन्स Two so, ये एक बॉन्ड में, में एक इलेक्ट्रॉन दो तीन चार एक दो तीन तो हो so, एक बॉन्ड में शेयरिंग so, होता है बच्चे कैसा आएगा मेरे कोल्ड एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम में पक्का आएगा टेक्स बुक में देखे रखा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या बताया मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिंपली स्टेबल बनना है सबको स्टेबल बनने के लिए उनके आजूबाजू में दो एट एटीन ऐसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अगर ये हो रहा है तो वो खुश है तो लेट मी गिव यू डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स इट इज पॉसिबल वेरी सिंपल है बहुत सिंपल है लेट्स टेक हाइड्रोजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज वन एच टू है एक एच इधर एक एच इधर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है अब दोनों पास आएंगे जब पास आएंगे तो इसको दो इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको भी दो इलेक्ट्रॉन मिल गए दोनों शेयर कर रहे हैं। और दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड इज हो गया ये हो गया तुम्हारा सिंगल बॉन्ड और हर एक एलिमेंट को दो इलेक्ट्रॉन चेस्टेबल होने के लिए या तो आठ चाहिए या तो अठारह चाहिए इसको दो मिल गए

का क्या होता है टू सिक्स नहीं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बराबर अब ओ ओ छह इलेक्ट्रॉन है कभी भी बच्चों स्ट्रक्चर बनाने के टाइम पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको फिगर में शो करो मतलब देखो ये दो ये तो दो इलेक्ट्रॉन है ना वो इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते हैं समझ रहे हो ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बच्चों यही कंपाउंड बनाता है यही बॉन्ड बनाता है यही सब कुछ काम करेगा समाज का इधर-उधर का तो एक काम करो छह इलेक्ट्रॉन बता दो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दोनों पास आएंगे एक दो तीन चार पाँच छ एक दो तीन चार पाँच छ अब क्या हो जाएगा दोनों पास आ गए अब ये दो इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा दैट इज ये दो इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा एक बॉन्ड बनाएगा ये दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएगा लेकिन ऊपर एक दो तीन चार तो रहेगा ही एक दो तीन चार तो रहेगा ही तो ये तुमको मिल गया डबल बॉन्ड इस तरह से ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन क्यों खुश होगा देखो सब जन देखना अच्छी तरह से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये हो गया खुश एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये हो गया ये खुश इसको भी आठ मिल गया इसको भी आठ मिल गया दोनों भी खुश हो गए सुनो सुनो ये दो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक बार बनाता है एक दो ये दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन बनाता है ये दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन बनाता है वैसा पल ऑफ नाइट्रोजन लव दिस एग्जाम्पल वेरी सिंपली सिंगल बता दिया डबल बता दिया अब आगे देखो एन टू नाइट्रोजन इज टू को पांच इलेक्ट्रॉन है वन टू थ्री फोर फाइव अगे नाइट्रोजन वन टू थ्री फोर फाइव पास आओ दूरिया मिटाओ तो अब क्या हो जाएगा दोनों पास आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे अब होगा क्या एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस नहीं एक दो तीन चार पाँच छ सात एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ इसको मिल गया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ दोनों भी खुश हो गए अब देखो दो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाता है वन दो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड और ये तो एक्स्ट्रा था वो तो रहेगा ही अब इसका बॉन्ड नहीं बनता पापा इसको बोलते लोन पैर ये अलग ही रहेगा तो इस तरह से बच्चों अपने को मिल गया ट्रिपल बॉन्ड तो अपने एक एक सिंगल बॉन्ड का देख लिया एक डबल बॉन्ड का एक ट्रिपल बॉन्ड का बच्चों देखो ट्रिपल वाले में कंफ्यूजन नहीं है होनी चाहिए बहुत सिंपल है मैं तुमको बताता हूँ एक बॉन्ड तुमको दो इलेक्ट्रॉन देता है तुम क्या कर रहे हो नाइट्रोजन का इट इज टू कमा फाइव टू का स्ट्रक्चर बनाना है मतलब दो एन होने चाहिए एक और दो तो पांच इलेक्ट्रॉन है एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ तो नजदीक लेकर आओ अब देखो काउंट करो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ हो गया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ हो गया तब तो क्या हो जाएगा दैट इज दो बॉन्ड सॉरी दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड दो बनाएगा एक बॉन्ड दो बनाएगा एक बॉन्ड और ऊपर आ गया लोन पैर इस तरह से तुम्हारा स्ट्रक्चर बन गया अब अब तुम लोग सुनो ये तुमको समझ आ गया एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ठीक है अब तुम लोगों ने बोला ना टू एट एटीन तो ये एट टोटल होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अब बिजर गलती करोगे तुम लोग एग्जाम में पूछेंगे एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो ये वाला सही है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो ये सही है ये वाले स्ट्रक्चर कौन बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर जब तुम बॉन्ड दिखा दो ना बॉन्ड उसको बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर तो ये तुम्हारा लाइन स्ट्रक्चर है ये तुम्हारा लाइन स्ट्रक्चर है ओके okay, तो पे अटेंशन व्हेन आई से थिंग्स यू हैव टू पे अटेंशन दिस इज लाइन स्ट्रक्चर बहुत सारे लोग कंफ्यूज आते हैं ये इलेक्ट्रॉन डॉ स्ट्रक्चर एवरीबडी सुन लो तुमको कोई और बोल दिया जिंदगी में कभी और कुछ बता के दिखाओ होना चाहिए क्लोरीन है अब क्लोरीन का होता है टू कोमा एट कोमा सेवन सी एल टू का स्ट्रक्चर बनाने बोल दिया बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है सात है तुम कैसे बनाओगे एक दो तीन चार पच सात सी एल एक दो तीन चार पाँच छ सात अब दोनों नजदीक आएंगे है ना दोनों पास आ गए तो अब क्या होगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर लेकिन लाइन स्ट्रक्चर बनने बोलूंगा तो मैं दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाता है एक दो तीन चार पचे एक दो तीन चार पचे तो इस तरह से तुम क्लोरीन का स्ट्रक्चर बना सकते हो तुमको कोई बताएगा भी नहीं बट सुन लो मजा आएगा तुमको अगर मैं बोलू वॉटर का स्ट्रक्चर ठीक है एच टू का अगर मैं बोलू एनएच थ्री का अमोनिया का अगर मैं बोलू मीथेन का किसी का भी स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो बच्चों ठीक है that's how, that's how

तुम जो हाइड्रोजन अब दिमाग चलने का अब दिमाग चलाने का बाबा थोड़ा दिमाग चलाने का कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखाओ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाओ इसको हम बोलते हैं डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ऐसा क्यों किया मैंने कंफ्यूजन ना हो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से बताओ हाइड्रोजन का कितना होता है वन होता है तो एक क्रॉस बता दिया मैंने हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है एक ही होता है क्रॉस बता दिया अब ऑक्सीजन के जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबको डॉट से बताना पड़ेगा तो ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 2.6 तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है डॉट से बताओगे तुम एक दो तीन चार पांच और छ अब पास आएंगे ये लोग तेरे पास नहीं है ये एहसास नहीं है क्रॉस रुको एक सेकेंड रुको पास लाते इनको वेरी इंटरेस्टिंग जो केमिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग तो अब क्या हो जाएंगे पास आएंगे लोग ठीक है ये 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 पास आ गए इसका ये और इसका और ये। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का बच्चे कितने एक दो तीन चार एक दो तीन चार अब देखना हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को भले कोई भी हो उनको इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल बनाने के लिए तो हाइड्रोजन को कितने मिलकर आप देखना ध्यान देना मजा आएगा तुम लोगों को सर आनंद की अनुभूति होगी एक दो हाइड्रोजन खुश हो गया एक दो हाइड्रोजन खुश हो गया अब ऑक्सीजन को खुश होने के लिए आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ऑक्सीजन भी खुश हो गया तीनों भी खुश हो गए अब तुम लोग मुझे बताओगे भैया ये तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है मैंने बोला ठीक है अब लाइन स्ट्रक्चर के लिए एक दो एक बॉन्ड हो गया एक दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड हो गया और डिंग 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 ये ये कुछ इसको कुछ इसको करने का तुम्हारा हो गया लाइन स्ट्रक्चर यू क्वेश्चन ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या सर ये दो ऐसे बना रहे हैं ऐसा ही है पॉसिबल नहीं है ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना सकते इसके लिए उसके लिए हम बोलते हैं इसको लोन पैर क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रहे बहुत कम चांसेस है कि इसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आए बच्चों के लेकिन पूछ ले कोई अमोनिया का बताओ यू शुड टेल देम लेट्स लेट 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 अस फिक्स वन थिंग एक चीज़ फिक्स कर लो हाइड्रोजन को क्रॉस से बताओगे नाइट्रोजन को डॉट से बताओगे अब अमोनिया बना रहे हैं एन एच एच और एच एक काम कर लो हाइड्रोजन का वन होता है नाइट्रोजन का सेवन होता है टू को फाइव तो एक क्रॉस बता दिया क्रॉस बता दिया और क्रॉस बता दिया हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन अब तुम क्या करना है तुम्हारा नाइट्रोजन को तुमको बताना है नाइट्रोजन के पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं एक इधर ले लो एक इधर ले लो एक इधर ले, ले लो और दो ऊपर ले लो तो पांच हो गए अब करीब आएंगे करीब आएंगे तो अब कैसा होगा हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन पास आएंगे क्रॉस 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 और ये जो इलेक्ट्रॉन था वो करीब आएगा करीब आएगा करीब आएगा और ये दो लोनर पैर अब सुनो सबको खुश होना है जिंदगी में सबका आगे खुश होने का तो एक दो हाइड्रोजन खुश एक दो हाइड्रोजन खुश एक दो हाइड्रोजन खुश और एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नाइट्रोजन खुश टू एट एटीन आर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉन स्ट्रक्चर एंड टू हैव अ लाइन स्ट्रक्चर तो हाइड्रोजन एक दो एक बंट बन बनाएगा एक दो एक बन बनाएगा और एक दो एक बन बनाएगा यहां पर एक लोन पेयर ये तुम्हारा हो गया लाइन स्ट्रक्चर तो तुमको बोलो मीथेन का बनाओ तो हाइड्रोजन के लिए क्रॉस ले लो इसके लिए डॉट ले लो सी एच 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 एक क्रॉस इसके लिए आ गया इसका कितना होता है टू कमा फोर तो चार इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो एक दो तीन चार अब देखना सब खुश हो रहे कि नहीं हो रहा इसको दो मिल गया ये खुश हो गया इसको दो मिल गया एक खुश हो गया इसको दो मिल गया एक खुश हो गया इसको दो मिल गया एक खुश मिल गया एक दो तीन चार पांच छह सात आठ इसको मिल गया एक खुश हो गया That's how it is. अब ये देखो सी एक दो एक बॉन्ड एक दो एक बॉन्ड एक दो एक बॉन्ड एक दो एक बॉन्ड हो गया इसमें लोन पेयर भी नहीं आया ये स्ट्रक्चर ये डॉट स्ट्रक्चर एक्चुअली डू एग्जाम्पल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड यू कैन हैसेट यू कैन हैव इथिन यू कैन हैव विथेनोल तो ये सब कंपाउंड आगे आगे क्योंकि तुम कितने भी बना सकते हो ट्राई करना नहीं आएगा तो मैं आपसे हेल्प करूंगा तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो तुम कैन मेक इथिन सेम मेथड से